नमस्ते वेलकम टू दटीन वीडियो ऑफ आवर सीरीज़ तो इसमें हम लिस्ट और लिस्ट आइटम्स देखेंगे सो so, सीधे मटेरियल वाई की वेबसाइट पे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट हैं तो ये लिस्ट हमने हम यहाँ पे यूज़ किया ये बेसिक लिस्ट है ये नेस्टेड लिस्ट है और ये फोल्डर लिस्ट है तो ये हमारे पास सारी लिस्ट हैं और इसका कोड देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पेन लिस्ट है फिर उसके अंदर लिस्ट आइटम है उसके अंदर लिस्ट आइटम बटन है और लिस्ट आइटम आइकन है तो ये सब हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए अपने कोड पे चलते हैं अपने और लेआउट में चलते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमें लिस्ट चाहिए वो सब हम करवा करवाते हैं तो ये सब हमने इंपोर्ट करवा लिया अब नीचे चलते हैं और लिस्ट आइट लिस्ट एंड लिस्ट आइटम में अपना कोड लिखते हैं सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे लिस्ट चाहिए सो so लिस्ट अब लिस्ट के अंदर हमारे पास लिस्ट आइटम होती है सो लिस्ट आइटम अब लिस्ट आइटम के हमारे अंदर हमारे पास लिस्ट आइटम टेक्स्ट होता है तो लिस्ट आइटम टेक्स्ट, सो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है और अगर इसमें हमें टेक्स्ट देना है तो यहाँ पे हम करते हैं प्राइमरी और इसके अंदर हम टेक्स्ट डाल देते हैं हेलो सो अभी आउटपुट देखते हैं अपना सो हमारे पास हेलो आ रहा है अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूं तो हमारे पास यहाँ पे हेलो यहाँ पे आ रहा है अब ये अलग अलग लिस्ट आइटम है तो हमें एक और लिस्ट आइटम बनानी पड़ेगी सो इसको यहाँ से हटाते हैं और इस लिस्ट आइटम को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो हमारे पास हेलो हेलो आ रहा है अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं होवर करूँ इस पर तो मेरे पास आई कि यहाँ पर होवर हो रहा है ये वाले हेलो पे हो रहा है या ये वाले हेलो पे हो रहा है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट आइटम बटन सो वो लिस्ट आइटम बटन हमारे पास यहाँ पे आएगा लिस्ट आइटम बटन और इसको हम यहाँ नीचे रख देते तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आइटम बटन आ रहा है तो आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ओवर करने पे एलो पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है अब मेरे पास ये साइड में पैडिंग आ रही है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा लिस्ट आइटम में Disable पैडिंग करना पड़ेगा तो अब देखते हैं अब मेरे पास पैडिंग नहीं आ रही तो सेम ही लिस्ट आइटम मैं नीचे भी ले लूँगा एक और यहाँ पे मेरे पास सब अलग अलग होवर करने पे आ रहा है कि मैं किस पे लिस्ट आइटम पे होवर कर रहा हूँ अब मुझे अपने आइटम्स बनानी है, सो so, उसके लिए हम यहाँ पे ही एक array लेते हैं कॉन्स्ट मेन्यू आइटम्स और अरे और इसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट मेरे पास होगा टेक्स्ट जो होंगे माई नोट्स ऐसे ही अब मेरे पास एक आइकन होगा और आइकन होगा मेरे पास सब्जेक्ट आउटलाइन सो ये आइकन हो गया हमारे पास और इसको हम कलर दे देंगे सेकेंडरी और इसके बाद पाथ देते हैं सिर्फ पात जो हमारा होगा रूट इसके बाद एक सेम होगा मेरे पास सो so इसी को ही कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं और मेरे पास टेक्स्ट होगा क्रिएट नोट एंड मेरे पास यहाँ पे आइकन हम लेंगे एड सर्कल आउटलाइन आउटलाइन सेव करते हैं और इसको हम पात दे देंगे ट अब नीचे चलते हैं और यहाँ पे लिस्ट आइटम में सारी मेन्यू आइटम्स शो करते हैं तो अब हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे मेन्यू आइटम्स डॉट मैप इसके अंदर आइटम और हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिस्ट आइटम चाहिए और अब हम इस लिस्ट आइटम को की दे देंगे आइटम डॉट टेक्स्ट और यहाँ पे हम डिसेबल कर देंगे पैडिंग अब इसके बाद मुझे लिस्ट आइटम बटन चाहिए सो लिस्ट आइटम बटन और इसके अंदर लिस्ट आइटम आइकन लगाएंगे हमें क्योंकि हमें आइकन यूज़ करने हैं तो यहाँ पे हमारा आइकन आ जाएगा आइटम डॉट आइकन अब इसके बाद टेक्स्ट चाहिए मुझे तो लिस्ट आइटम टेक्स्ट सो ये सेल्फ क्लोजिंग और यहाँ पे प्राइमरी हम टेक्स्ट दे देंगे अपना आइटम डॉट टेक्स्ट सो सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है तो अब मैं चाहता हूँ कि माई नोट्स पे क्लिक करें तो माई नोट्स पेज पे जाए और क्रिएट नोट पे क्लिक करूँगी तो क्रिएट नोट पे पेज पे जाए सो so उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ नेविगेट सो इंपोर्ट करवा लेते हैं यूज़ नेविगेट और ने इंपोर्ट करवा यूज़ नेविगेट सो रिएक्ट डॉम से आ रहा है अब यहाँ पे हम नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट और हम नीचे चलेंगे लिस्ट आइटम्स में सो यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे नेविगेट हो जाए हमारा पेज आइटम डॉट पाथ पे सो so, इसको सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं हमारा सो माई नोट्स पे तो माई नोट्स पे ही हम क्रिएट नोट पे क्लिक करें तो क्रिएट नोट पे जा रहा है अब मैं चाहता हूँ कि जो एक्टिव क्लास है मेरी उसका हमें पता लग जाए सो so, उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ लोकेशन का तो यूज़ लोकेशन भी हमारे पास रिएक्ट आउट डॉम से आ रहा है और यहाँ पर हम कर लेंगे कॉस्ट लोकेशन इज इक्वल टू यूज़ लोकेशन और हम नीचे चलते हैं अब हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टाइलिंग देनी हमें सो एस एक्स एसएक्स अब इसके अंदर हम क्या करेंगे डॉट 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 लो अब यहाँ पे लोकेशन डॉट पाथ नेम और अगर ये लोकेशन डॉट पाथ नेम हमारा इक्वल टू है आइटम डॉट पाथ के तो हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए एफ़ नाइन एफ़ नाइन एफ़ नाइन और अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं सो so अगर इसको हम सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं तो क्रिएट नोट पे हैं तो क्रिएट नोट थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर आ रहा है उस पर और अब माई नोट्स पे बैकग्राउंड कलर आ रहा है तो हमने इस वीडियो में लिस्ट आइटम्स यूज़ करनी सीखी सो so, इस इस वीडियो को आपको कोड मिल जाएगा यहाँ पे ट्यूटोरियल फोर्टीन में और इस वीडियो के लिए बस इतना ही थैंक यू